हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स एग्रीकल्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों पीजीटी 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि क्वेश्चन कराने वाले हैं एग्रीकल्चर के हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीजीटी 2020 एग्रीकल्चर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विनाइट्रीकरण जीवाणु है तो आपको बताना है विनाइट्रीकरण जीवाणु कौन कौन से हैं। तो पहला स्यूडोमोनास एंड दूसरा है थायोबैसिलस। तो विनाइट्रीकरण करने वाले जो जीवाणु हैं दो हैं, पहला तो ये स्यूडोमोनास है और दूसरा थायोबैसिलस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, स्वीट बनाना प्रजाति है। तो ये किसकी प्रजाति है? तीखी मिर्च की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, छारी वा लवड़ी मृदा के सुधार में प्रयोग करते हैं। छारी वाली मृदा के सुधार में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों छारी एवं लवड़ी मृदा के सुधार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम और पायराइट का, ठीक है। पहला जिप्सम और दूसरा है पायराइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा नेक्स्ट है, अम्ली मृदा की सुधार में प्रयोग करते हैं। अम्ली मृदा की सुधार में प्रयोग करते हैं या किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा CaO। दोस्तों इसे चूना कहते हैं, चूना, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको भी चूना कहा जाता है। तीसरा है CaOH का होल टूएस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अम्लीय मृदा के सुधार में किसका उपयोग किया जाता है? तो चूने का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
हो गया। क्वेश्चन नंबर है, पांचवा है, शुकर में या शुगर कहते हैं जिसको, शुकर में गर्भधारण की अवधि होती है, तो इसका सही आंसर होगा कितना दिन। तो शुगर में जो गर्भधारण की अवधि होती है दोस्तों, वो 114 दिन होती है। कितना? 114 दिन। ठीक है, नोट कर लीजिए 114 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मक्का की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मक्का की प्रथम संकर किस्म, जो मेज होता है उसकी हाइब्रिड की जो पहली फर्स्ट वैरायटी है उसका नाम क्या है दोस्त? गंगा वन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, गंगा वन। ठीक, चलिए गंगा वन हो गया दोस्तों। क्वेश्चन करते बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? ईजे बटलर। कौन है? ईजे बटलर, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, ईजे बटलर। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, ईजे बटलर। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 2020 के क्वेश्चन पेपर है पीजीटी एग्रीकल्चर, जो आए थे क्वेश्चन वही आपको करा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 2022 में आ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पहले एग्जाम हुआ होता है तो उसका कोई ना कुछ क्वेश्चन उसे उठा के दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना, और जो आप पढ़ रहे होंगे कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, है अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कौन है दोस्तों? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, कौन है? एडम स्मिथ।
चलिए इसका आंसर नोट कर लीजिए आप लोग, एडम स्मिथ।